इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा ने धीरे से कहा, यह राम कथा संशय समाप्त कर देती है, कलमसी वृक्ष को कुल्हाड़ी बनकर कतर देती है, पता चलता नहीं, कलम समाप्त हो जाते हैं जीवन के, समाप्त हो जाते हैं जीव के। देवी आदर पूर्वक श्रवण करें, कदा बड़े भाव से सुनी जाए, सा आदर पूर्वक सुनी जाए, स्नेह पूर्वक सुनाई जाए, आदर पूर्वक सुनी जाए। और जितना आदर और प्रेम से सुनाई सुनी जाएगी कथा, उतना कल्याण करेगी। कथा भक्ति वर्धन के निमित्त, और क्या निमित्त है? कथा भगवान के स्वरूप को जानने के निमित्त, भगवान के गुण का अनुवाद है, गुण का विस्तार है, गुण का सहज स्पष्ट दिग्दर्शन है, जीव के जीवन का मानो मार्गदर्शन है। यही तो जीवन है मानव का। बाबा क्या कहे? देवी सगुण और निर्गुण इसमें कोई भेद है नहीं, दोनों एक है। कैसे? जैसे निर्गुण समूह निर्गुण स्वरूप में जल दौड़ता रहता है पात्र में, और जब सगुण हो जाता है तो एक स्थान पर उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार जो निर्गुण भगवान है वो सर्वव्यापी हैं, और भगत के प्रेम के वशीभूत होकर वही सहज स्वरूप में उपस्थित हो जाते हैं। अगुण अरो अलख अज बस भगत बस सगुण सो, केवल भक्तों के प्रेम बस। कब प्रेम प्रगाढ़ हो तब, कभी जीवन में संदेह न बने, संशय न बने, भगवान प्रेम से ही प्रत्यक्ष होते। जिस जिसके प्रेम में प्रगाढ़ता आई वहां वहां परमात्मा उपस्थित हो गए। ते कहे सरकार के श्रमुख वचन है गीता जी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम पके, मैं तो कहूं ना, प्रेम का अभ्यास होता जाए, प्रेम करने का अभ्यास हो। बहुत पुरानी चर्चा है, अरे कैसे हो, वो करते नहीं हम कैसे करें? वो नहीं करते हैं इसलिए करते रहिए, वो करेंगे तब हम करेंगे, ये प्रेम नहीं है, ये तो आदान प्रदान व्यवहार की भाषा में ये व्यापार है, वो करेंगे तो हम करेंगे। प्रेम ऐसा नहीं होता, वो नहीं करते हैं हम करते हैं। अब देखिए व्यास जी गाते हैं, ये पद है बड़ा प्यारा है, तुम उसे प्यार करो वो न तुम्हें प्यार करे, तुम उसे प्यार करो
बेखबर इतना तो करतार नहीं होता है, बेखबर इतना 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 बेखबर इतना तो करतार करे ये हमारा अविश्वास। अरे वो न करे, आप करे रहो, बैर नहीं न करना है जी, वो करे न करे आप करे रहो, एक न एक दिन वो भी करने ही लगेंगे। आप करे रहो, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत जब कुआं से पानी निकाला जाता था गांव में, आज भी हमारे मंदिर में जो भोग पधराता है वो कुएं का जल प्रयोग होता है, सेवा में भी वही होता है, सरजू जल होता है। तो देखा होगा आपने रसरी की रगड़ से वो निशान कब घिसा, क्या भया कौन जाने। हम प्रेम की स्थिति लाएं, करें, गतिमान रहें, उसी में रमते रहें, बनेगा, अवश्य बनेगा। बाबा का सिद्धांत, भगत प्रेम बस सगुन सो हुई, और कदापि नहीं इस जन्म में नहीं भया, आगे जन्म में, अरे 1700 जितना लग जाए लग जाए, थकना नहीं है, ये गति बना के चलना है, करते रहना है, प्रेम का अभ्यास बनाए रहना है। अच्छा मान लिए कदाचित नहीं बनाएंगे, नहीं अभ्यास करेंगे तो क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा। उत्तम यही है हम बना के चलें। अरे प्रभु प्रभु प्रभु, ये प्रेम पकते 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 न जाने कहां तक उपस्थित करा दे, आनंद वृष्टि करा दे, आनंद में उतार दे, डुबा दे, आह्लाद डाल दे। करे रहो, करे रहो, निरपेक्ष होकर चाहत रख कर नहीं। बाबा ने कहा देवी जो भगवान निर्गुण से सगुण भय, इनके बहुत कथाएं हैं पुराणों में, ऋषि मुनियों ने खूब सुनाई, वेद भगवान नाना विधि गान किए। मुझे जैसा कारण समझ में आता है वो मैं आपको सुनाऊं। तस्मै सुमुख सुनावव तो ही समुझी पर ही जस कारण क्या। अत जब जब होई
धर्म के बाढ़ ही ऐसो अधम अभिमान तब प्रभु धरि विविध शरीरा करहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा जब जब धर्म की हानि होती है असुर और अभिमानी लोगों की अभिवृद्धि होने लगती है। असुर माने जो देव वृत्ति का विरोध करते हैं, मानवीय संस्कृति का जिनसे ह्रास होता है। हम चाहे आप सब संत भगवान सभी लोग सबको भगवान ने मस्तिष्क दिया है, इसमें 5 कोश दिया है, हृदय दिया है, बुद्धि दिया है, मन दिया है, धर्म और अधर्म का ज्ञान सबको है। जो जिस रास्ते पर चल देता है उसको वही सत्य जान पड़ता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। एक बार मेरे से कोई कह रहा था, मेरा एक चिंतन है, तो मैंने कहा भैया बताना बाद में, पहले ये बताओ किस ग्रंथ से आया है। नहीं नहीं मेरा है, हमने कहा तो हमको सुनाना मत, ये हमारा चिंतन सदग्रंथ का है, हमारा भी बिगड़ जाएगा। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि हर व्यक्ति अपना चिंतन करने लगा है। अरे भाई आपका चिंतन महाभारत जी से आया है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से आया है, श्री रामचरित मानस जी से आया है, कि 18 पुराण 18 उपपुराण उपनिषद कहाँ से निकला है। मेरा चिंतन है कि मेरा क्या हिसाब, आप जो कहेंगे वही धर्म है क्या? धर्म की परिभाषा सदग्रंथ देते हैं। एक तो वैसे बुद्ध के दरिद्र कोई आए हैं, प्रकट हुए हैं, भय प्रकट कृपाला अद्भुत पाला, उन्होंने कहा धर्म की परिभाषा भी अब बदल देनी चाहिए। उनके दुर्भाग्य से पूज्य भाई श्री श्रद्धेय रमेश भाई ओझा जी बैठे थे, उन्होंने कहा श्रीमान जी धर्म की परिभाषा शाश्वत है, उसको बदलने का प्रयास न करें, क्योंकि धर्म तत्व वेद भगवान से प्रस्फुटित भए हैं, बुद्ध से नहीं आए, इसलिए धर्म की परिभाषा न बदली जाए। अरे चाहे जो बदल देंगे, जो चाहे सो करेंगे, ऐसा है क्या? अभी कोई अयोध्या जी, ये अयोध्या जी है, कोई अपने घर का नाम अयोध्या जी रख लेंगे तो क्या अयोध्या जी वहां पहुंच जाएगी क्या? अगर हमारा घर अयोध्या है, नहीं, हमारा घर का नाम अयोध्या जी है। आप जब तक जीवित हो परिभाषा बनाए रहो, अपना 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 गणित बताए, लेकिन भैया है देखो धाम धाम है, पूरी पूरी है, सरजू जी है। अपने को छलिए औरों को नहीं, ये नहीं करिए साहब। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।